दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी पिछले 5 समन के दौरान अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए आज अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। अदालत में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता के पेश होने की संभावना है। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल ईडी के पिछले 5 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। ईडी ने राव जवैनी कोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने दिल्ली मुख्यमंत्री को तलब किया और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। ईडी ने 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को समन जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इस समन को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।